जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। अभी आप मेरे चैनल पर नया है दोस्तों, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। यह हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है, तो हथकरघा के प्रति बढ़ावा एवं उनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब अगस्त के जितने सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। यह इसलिए मनाया गया था, इसी दिन ट्रिपल तलाक का खत्म हुआ था। और 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया है। और 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? नागासाकी दिवस मनाया गया है, जो हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया गया था, जिसका क्या नाम था? लिटिल वाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? यह विशिष्ट पहचान हरियाणा राज्य सरकार ने। अब बात है हरियाणा, हरियाणा के राजधानी चंडीगढ़, वहां के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। अब हरियाणा, हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। योगशालाएं खोले गए, जिसमें आयुष असिस्टेंट कितने 1000 है, आयुष कोच कितना? तो 22 है। समाधान विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू किया गया है। और हरियाणा से रिलेटेड, तो हरियाणा जो खेलो इंडिया का मेजबानी करेगा, और इसका अध्ययन कौन है? तो किरण रिजिजू होंगे। और हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत ये योजनाएं जो महत्वपूर्ण है चल रहे हैं अभी वर्तमान में। और हरियाणा में डबल टनल वाली सुरंग बनाया जा रहा है। अब ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहां के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपांकर दत्त। वहां के कौन कौन नेशनल पार्क है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। और वहां शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनराइटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल का लेखक कौन है? तो ग्रीस कुबेर है। कौन है? ग्रीस कुबेर। वहां जो है महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला ये पहला राज्य है। अब बात कर लेते राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ के सीएम अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? तो कलराज मित्र। यहाँ स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया, कहाँ? तो राजस्थान में। राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। और स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और राजस्थान में आयुष एवं सेहत साथी ऐप जो टू कंसल्ट विथ डॉक्टर ऑनलाइन, ये सेवा वहां प्रदान किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में टिड्डे या पिग्मी ग्रास होपर की नई प्रजाति खोजी गई थी? ये कहाँ खोजा गया है? तो श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ? कोलंबो, जो कमर्शियल है और एडमिनिस्ट्रेटिव तो श्रीवर्धनपुरम। वहां के करेंसी क्या थे? श्रीलंका रुपया। वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र राजपक्षे। और प्रेसिडेंट कौन है? सॉरी, वहां के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं सगे। अब ऑप्शन नंबर 1 में है मालदीप। तो भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। अब मालदीव की
कैपिटल क्या है तो माले है, करेंसी क्या है तो मालदीपियन रुपया, प्रेसिडेंट कौन है तो मोहम्मद सोले। अब बांग्लादेश का कर लेते तो बांग्लादेश में मुफ्त सेवा देने पर प्रतिबंध लगाया है और डिजिटल हिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और वहाँ क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ी को स्वस्थ एवं मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। और बांग्लादेश के काजी अनीक इस्लाम जो क्रिकेटर हैं उस पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका करेंसी टका है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो हमीदा अब्दुल्ला हामिद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक का इस्तेमाल पाबंदी लगाया गया है तो किस देश की, तो अमेरिका देश ने सभी सरकारी उपकरणों मोबाइल लैपटॉप इत्यादि में टिकटॉक के इस्तेमाल पर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। अब अमेरिका, अमेरिका में ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया गया था जिसमें सीरियस, ये जो ऑपरेशन लीजेंड है ये सीरियस क्राइम पर सक्रिय होने के लिए है और अमेरिका के संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें 10 साल की सजा है, यदि कोई व्यक्ति सरकारी चीजों का तोड़फोड़ करता है तो उसे 10 साल की सजा दिया जाता है। और अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा किया है और ओपन स्काई से भी अलग होने का घोषणा किया है और अमेरिका ने PIA पर पाकिस्तान इंटरनेशनल उड़ान पर प्रतिबंध लगाया है। अब भारत और अमेरिका के बीच नौसेना के बीच एक पाशेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है और भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास, तो एक का तो खुद युद्ध अभ्यास नाम है, दूसरा टाइगर ट्रंप है, कोप इंडिया है और ब्रज प्रहार है। अब ऑप्शन एक में क्या, आयरलैंड, आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन, यहाँ की करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट कौन है तो MD इंजीत है। यहाँ जो है आयरलैंड में भी टिकटॉक ने पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोला है, यूरोपीय डेटा यहाँ डेटा खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सरली एन ग्रो का निधन हुआ है, वे क्या थे, उपन्यासकार थे। और नुसरत जहांगीर का भी निधन हुआ, वे क्या थे तो लेखक थे। और शिवाजी राव पाटिल का निधन हुआ, वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कहाँ के तो शिवाजी राव पाटिल कर जो थे वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो UPSC का नया अध्यक्ष प्रदीप जोशी का बनाया गया है। अब UPSC यूनियन पब्लिक सेक्टर कमीशन, इसकी स्थापना कब हुआ, तो यूनियन पब्लिक सेक्टर कमीशन इसका स्थापना 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTF स्पोर्ट ने अपना अम्बेसडर किसे बनाया गया, तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को, प्रयुक्त दोनों को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो मणिपुर के राज्य के मुख्यमंत्री, 2 फास्ट ट्रैक इसमें सीरियस क्राइम और रेपिस्ट केस पर जल्दी से सुनवाई के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अब बात आए मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल क्या है, तो इम्फाल के चीफ मिनिस्टर कौन है तो एन बीरेन सिंह, गवर्नर कौन है तो नजमा हेतुल्ला। और मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है और पहल खुदोल जिसकी तारीफ किसने किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सॉरी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी तारीफ किया था। और मणिपुर में पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है और मणिपुर का खोग जून दिवस मनाया जाता है, कब, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23
अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2017 में। इसका एमडी सीईओ कौन है? तो अनप्राश विश्वास, अनप्राश विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टिक एस FTS वायरस किस देश में पाया गया है? तो ये वायरस है जो कहाँ पाया गया, तो चीन में पाया गया है। अब इसका FTS सीरियर फीवर फीत थर्मोसाइटोसिनिया, इसमें बहुत क्या है, सीरियर फीवर फीत मीन्स तेज बुखार होता है, और थर्मोसाइटोसिनिया इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। अब ये वायरस कहाँ पाया गया? चीन में। तो चीन में लॉन्ग मार्च रॉकेट लॉन्च किया गया है, और 19वां एशियन गेम 2022 का कहाँ होगा? तो चीन में होगा। इसका शुभंकर क्या है? स्मार्ट ट्रिपल। विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? तो चीन में। कब का? 2022 का चीन में होगा। और 2022 का एशियन पारा गेम कहाँ होगा? तो चीन में। इसका शुभंकर क्या है? तो फी। अब ऑप्शन एक, नंबर एक में स्पेन, स्पेन की कैपिटल क्या है? माद्रिद। करेंसी क्या है? यूरो। यहाँ के पीएम कौन है? तो पेड्रो सेंचेज, पेड्रो सेंचेज। और स्पेन के एक फुटबॉलर कौन है? तो एकर कैंसी कैसी लास, जो संन्यास लिया है। कौन है? तो एकर कैसी लियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई? तो महाराष्ट्र के नासिक देवलाली स्टेशन से शुरू हुआ, देवलाली स्टेशन से शुरू हुआ है, और बिहार के दानापुर के बीच। यह जो है किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन, इसमें फल सब्जी इत्यादि को इस ट्रेन से पार्सल किया जाएगा विभिन्न स्टेशनों पर। ये दानापुर और देवलाली दोनों स्टेशन के बीच लिया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें बहुत से किसानों के सब्जी एवं फल का क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। इसको बचाने के लिए किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओ एच निगरानी ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। क्या है? ओवर हेड इक्विपमेंट, इसकी निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप है लॉन्च किया है ट्रेन में जो लेट हो जाने को इसको रोकने के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। अब भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है, तो डॉक्टर और मरीजों के संवाद के लिए एक रोबोट बनाया था, उस रोबोट का क्या नाम है? तो रक्षक। और भारतीय रेलवे ने 3 रेलवे के स्वचालित लाइटिंग सिस्टम भी बनाया है, वो कौन कौन है? तो जबलपुर, भोपाल और नरसिंहपुर, ये तीनों स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा, हाल ही में नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? CAGCAT। तो इसका नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। इसके पहले राजीव महर्षि थे, अब लेकिन कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो अपना पद त्याग कर CAG में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। और हरियाणा में एयर शील्डिंग मीन्स क्या? तो इसमें पहाड़ों एवं पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर या ड्रोन के द्वारा बीज का छिड़काव किया जाएगा। और हरियाणा में डबल कंटेनर सुरंग बनाया जा रहा है, इसमें 2 ट्रेन चलेंगे और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो 2020 का पुरस्कार DIAT ने जीता है। ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में होता है। वर्तमान समय की समस्याओं को जल्द से सुलझाने वाले उनको दिया जाता है। तो इस 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो DIAT ने जीता है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।